यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इफ 2z माइनस एन अपॉन 2z प्लस एन इक्वल टू 2i माइनस 1 टू आयोटा माइनस 1 एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर इमेजिनरी जेड इक्वल टू 10 देन एन और आपको रियल जेड का वैल्यू बताना है. आप समझो पहले अगर जेड मैं देखूं तो ऐसा कुछ होगा x प्लस 10 आयोटा क्योंकि आपको इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी गिवन है. तो एक तरह से ये ऐसा हो गया आप डायरेक्ट लिखें 2x माइनस 20 सॉरी प्लस 20 आयोटा माइनस एन अपॉन 2x प्लस 20 आयोटा प्लस एन दिस इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1. अब आपको भी पता है कि रियल से रियल का और इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर होना है क्वेश्चन टफ नहीं है. 2x माइनस एन प्लस 20 आयोटा राइट 2x प्लस एन प्लस 20 आयोटा दिस इक्वल टू दिया आपको एक तरह से माइनस 1 प्लस 2 आयोटा. अब देखो एक तरीका ये हो सकता है कि इसको रैशलाइज कर दें. रैशलाइज करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा. क्यों ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कंपेयर करना आसान होगा. तो 2x माइनस एन प्लस 20 आयोटा इक्वल टू करिए क्या क्या मिलेगा देखते हैं. एक बार मिलेगा 2x प्लस एन माइनस का फिर मिलेगा माइनस 20 आयोटा फिर इसके साथ करिए तो 2 आयोटा इंटू 2x प्लस एन माइनस ऑफ 20 क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 राइट. अब ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा तो 2x माइनस एन प्लस 20 आयोटा इक्वल टू जो जो मिला वो लिख ले माइनस 2x माइनस एन माइनस 20 आयोटा ये भी पूरा आयोटा है तो इसको एक साथ ले लें. अगर मैं इसमें आयोटा कॉमन ले लूँ तो देखिए क्या क्या आएगा. यहाँ से मिलेगा 2 के साथ 4x प्लस 2n माइनस 20 और वो माइनस 40 अलग है. अब आप कंपेयर कर लीजिए. तो सबसे पहले अगर आप रियल से इमेजिनरी का कंपेयर करेंगे तो 20 इक्वल टू यहाँ पर कितना मिला 2n प्लस 4x माइनस 20 यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं 40 इक्वल टू 2n प्लस 4x या n प्लस 2x इक्वल टू 20. अब आप चाहो तो इसमें ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे n प्लस 2x क्योंकि x इसका रियल पार्ट है. तो अगर मैं ऑप्शन से देखूँ तो एक चीज़ हो सकती थी n की वैल्यू सपोज 20 ले लूँ और x की ये नहीं है ये भी नहीं ये देखते हैं क्या है. n की वैल्यू ली 20 और x की वैल्यू ली माइनस 10 ये भी नहीं है इस पे आओ ये भी नहीं होगा यहाँ पे आओ जरा ये हुआ 40 और ये हुआ माइनस 20 दिस इज द राइट आंसर. आंसर यहीं पे आ गया. बाकी आप पूरा मेथड से तो कर ही लेंगे. अब रियल से रियल का कंपेयर कर दो तो 2x माइनस एन इक्वल टू माइनस 2x माइनस एन माइनस 40 ये कैंसिल ये हो गया 4x इक्वल टू माइनस 40. देखो x इक्वल टू कितना x इक्वल टू माइनस 10 x की वैल्यू माइनस 10 रख दो तो n इक्वल टू 40. अब इस क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक हो सकती थी. नंबर वन ये लिखने के बाद नॉर्मली हमारी आदत होती है हम रैशलाइज करते हो करना भी चाहिए बट यहाँ क्योंकि ऑलरेडी फिगर बड़ा था और रैशलाइज करने से कैलकुलेशन बहुत हो जाती क्रॉस मल्टीप्लाई से करके आप इजीली कंपेयर करके निकाल सकते थे और जैसे ही कंपेयर किया आपका यहाँ पे आंसर भी आ गया राइट. नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. एक तरीका ये हो सकता था एक और तरीका ये भी हो सकता था कि हम चाहते तो हमें जेड ये दिख ही रहा था और एन हमने जैसे ऑप्शन से लिया ही है तो अगर सपोज मैं यहाँ पर देखूँ 2z तो 2z कितना है 2x प्लस 20 आयोटा. अब x की वैल्यू सपोज माइनस 10 ली है तो माइनस 20 प्लस 20 आयोटा 2z हुआ राइट. और n की वैल्यू आपने लिए क्या अभी थोड़ी देर के लिए सोचिए 40 मैं अगर यहाँ पर रख दूँ तो माइनस 20 प्लस 20 आयोटा माइनस ऑफ 40 अपॉन माइनस 20 प्लस 20 आयोटा प्लस ऑफ 40 तो आपको रिजल्ट क्या मिलता. आपको रिजल्ट मिलता माइनस 60 प्लस 20 आयोटा अपॉन 20 प्लस 20 आयोटा 20 कॉमन निकल के कैंसिल तो एक तरह से मिलता माइनस 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा. आप इसको रैशलाइज कर लेते ये रिजल्ट आता तो हमारा आंसर करेक्ट था. अब मैं अगर इसको आपसे बोलूँ रैशलाइज करो तो अभी समझ में आ जाएगा कितना 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. देखिए क्या होगा नीचे तो 2 आ गया ऊपर हो जाएगा माइनस 3 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा एंड माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता. तो देखिए कितना आ जाता ये मिलता माइनस 2 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 मीन्स माइनस 1 प्लस 2 आयोटा. मतलब हमने बिल्कुल सही किया है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा. तो आप ये भी एक तरीका हो सकता था कि यहीं पर वैल्यू रख के भी कर सकते थे पर इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ सकता था क्योंकि आपको हर ऑप्शन पे जाना पड़ता इसमें आप थोड़ा जल्दी कर पाए. नोट करिए क्वेश्चन.
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 3 इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एट अल्फा, ओके, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज एट बीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखिए एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आपको समझ में आता है, माइनस हो रहा है तो 5 होगा, मैक्स वैल्यू 5 होगा, बट कब, जब एक्स का वैल्यू क्या होगा 2, दिस इज कॉल्ड अल्फा। एंड सिमिलरली इसका मिनिमम बोला है क्योंकि ये मॉड प्लस समथिंग है तो इसका मिनिमम ही होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा जी एक्स का, ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू इज 3, बट कब, एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी, दिस इज बीटा, तो बीटा माइनस 1 अल्फा 2। अब क्वेश्चन समझिए क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 8 का वैल्यू बताना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया माइनस ऑफ 2, राइट। तो ये माइनस ऑफ 2 यहां जब मैं रख दूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 मिलेगा एक्स माइनस 1, इसके फैक्टर होगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 2 कॉमन फैक्टर कैंसिल, चाहे तो इसके बाद जरूरी नहीं था, आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते थे, अब सीधा सीधा 2 रख दीजिए, 2 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 अपॉन माइनस 2, देन आंसर इज 1/2, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि एफ एक्स 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 है, मैक्सिमम एट जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है उसको वो बोल रहा है अल्फा, और जो जिस पॉइंट पर मिनिमम है उसको बोल रहा है बीटा। अब आपको पता है मैक्सिमम क्योंकि 5 माइनस मॉड है तो इसका मैक्सिमम मिल सकता है 5 व्हेन एक्स इक्वल टू 2, व्हेन एक्स इक्वल टू 2 इज अल्फा, ये मिनिमम मिलेगा 3 व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस 1, दिस इज कॉल्ड बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू को फिर आपसे क्वेश्चन बोला, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस अल्फा बीटा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 8। अब आप इसके फैक्टर बना के कर सकते थे, एल हॉस्पिटल लगा सकते थे, वो आपके ऊपर है, बट अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 2 जैसे ही यहां रखी ये प्लस 2 हो गया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या क्वेश्चन है, अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3,0 इफ इट इज मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस देन द सर्कल पासेस थ्रू विच पॉइंट। देखिए ये कंडीशन ऑफ सर्कल की है, जब सर्कल इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस रहता है तो 2g² - c होता है, और जब वाई एक्सिस होता है तो 2√f² - c होता है, राइट। अब इसमें एक लॉजिक समझिए कि जो आपको क्वेश्चन में बोला है वो ऐसा बोला है कि सर्कल कट वाई एक्सिस और टच एक्स एक्सिस किस पॉइंट पर, 3,0 पर, ये बोला है सर्कल टच एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 3,0 इफ इट इज मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे कितनी यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है, अब देखिए यहां पर ये एक चीज समझिएगा, अगर मैं इसका सेंटर की बात करूं तो एक बात पक्की है कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा वो बता देता हूं, ये लेंथ दी है आपको 8 यूनिट, यानी कितना दिया है 2√f² - c = 8, राइट, 2√f² - c = 8, यानी f² - c = 16, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बोला गया है किस पॉइंट से और पास होगा। अब देखिए सर्कल को जिस ढंग से हमने पढ़ा हम उसके कंसेप्चुअल कंसेप्ट यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये लेंथ है 8, अगर इसका मिड पॉइंट ले लें तो ये हमें समझ में आती है कि ये लेंथ हो गई 4, ठीक है, ये लेंथ 0 ओरिजिन से यहाँ तक है तो ये 3, तो रेडियस कितना आ गया, देखिए अगर पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो रेडियस आ गया 5। अब रेडियस 5 आ गया तो ये रेडियस के इक्वल होगा 5, यानी इसका सेंटर हो गया 3,5। समझिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन को कि ये लेंथ अगर 8 दी है टोटल तो इसके मिड पॉइंट से अगर सेंटर को ज्वाइन करें तो ये लेंथ हो गई 4, ये आपको पता था ऑलरेडी 3,0, तो ये लेंथ 3 हो गई, तो पैथागोरस थ्योरम से ये लेंथ 5 आ गई। अब देखिए सेंटर भी पता है रेडियस भी पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी एक्स माइनस, इसको मत करो इसमें उलझ जाओगे, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 10 वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब ये किस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं वो आपको चेक कर लेना, जैसे आपने मान लो इसी में रख लो तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, 3 - 3 = 0, 1 रखा तो नहीं कर रहा, बी पे आओ 5 - 3 = 2 + 4 + 3 = 9, ये भी नहीं कर रहा है, डी पे आ जाइए 10 - 3 = 7 = 49, ज़्यादा हो जाएगा, डी पे आ जाइए 3 - 3 = 0 और 10 - 5 = 5, दिस इज द राइट आंसर, 3,10 इज अ राइट आंसर। यहां चेक करना ज्यादा आसान था कंपेयर टू दिस वन। नोट करें क्वेश्चन,
यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ लाइन इज एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट एंड हैविंग बोथ इंटरसेप्ट पॉजिटिव इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन मेक इन एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव विद द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज. अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा. एक कोई लाइन है ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन हो गई एक तरह से. जब भी कभी बोला जाए अ लाइन इज एट डिस्टेंस 4 यूनिट एंड हैविंग बोथ इंटरसेप्ट पॉजिटिव. ऐसा हो गया बोथ इंटरसेप्ट पॉजिटिव और डिस्टेंस 4 यूनिट क्या बोला है ओरिजिन से. ये हो गई 4 यूनिट. ठीक है इसकी इक्वेशन आपको पता है क्या होती है. एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी वेयर अल्फा इज मेक एन एंगल परपेंडिकुलर. ये अल्फा होता है ये लेंथ दी है पी. अब क्या बोला है वो सुनते हैं. अ लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट एंड हैविंग बोथ इंटरसेप्ट पॉजिटिव इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मेक एन एंगल 60 डिग्री. अब ये लाइन क्या दी है वाई इक्वल टू माइनस एक्स. वाई इक्वल टू माइनस एक्स मतलब ये लाइन हो गई. अब इसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 है. अच्छा ये एंगल मुझे ऑलरेडी पता है 45 है. क्यों है 45 क्योंकि y इक्वल टू माइनस एक्स है. ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो इसका मतलब ये 15 होगा तो इसका मतलब ये होगा 75. ये होगा 75 तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो x cos 75 प्लस y sin बस आपको इसकी वैल्यू निकालना 75 इक्वल टू 4. cos 75 की वैल्यू 45 प्लस 30 से निकालेंगे. सिमिलरली साइन 75 की वैल्यू याद ना हो तो 45 प्लस 30 से निकाल लीजिए. अब यहाँ पे क्या होगा कॉस ए कॉस बी 1/√2 √3/2 माइनस साइन ए साइन बी दिस इज दिस वन यानी एक तरह से मिल गया √3 - 1/√2 प्लस वाई. यहाँ पर भी ऐसे ही मिलेगा सेम. अब देखो साइन में क्या होगा 1/√2 × 1/2 प्लस √3/2 × 1/2 यानी आप y में लिखेंगे √3 + 1/√2 = 4 या ऐसा भी बोल सकते हैं x√3 - 1 y√3 + 1 = 8√2 is a right answer. क्वेश्चन क्या लाइन है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है एंड दिस परपेंडिकुलर मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन. तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी थी. ये परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन थी जो x cos अल्फा + y sin अल्फा = P होती है. इस पे बेस्ड क्वेश्चन था नोट कर लीजिए.